हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम अगेन टू आवर विद्या विहार फैमिली। सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए, इसको मिस मत कीजिए। पढ़ाई के चक्कर में जिंदगी भर पढ़ाई होते ही रहेगा, बट पढ़ाई को भी छोड़ना नहीं है। अपना रेगुलर जो करंट अफेयर्स चल रहा है, कम से कम करंट अफेयर्स को देखते रहिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है और मैं कोशिश करूंगा उसे 8 बजे से पहले ही डालने के लिए, क्योंकि मुझे भी राखी बंधवाने जाना है, इसलिए ये लेक्चर भी आज पहले आ रहा है। सो चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। जो आज का जो इम्पोर्टेंट डे है वो काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि है वर्ल्ड संस्कृत डे, यानी संस्कृत दिवस, जिसको कि श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चूंकि आज रक्षाबंधन है, यानी कि श्रावण पूर्णिमा है, तो इसलिए आज ही के दिन ये इस साल पड़ा है। 2019 में ये 15 अगस्त के दिन हुआ था। इसका मेन एम क्या है? हमारे मदर लैंग्वेज संस्कृत को फेमस करना, संस्कृत को लोगों तक पहुंचाना। आपको पता है हिंदी भी जो है संस्कृत भाषा से भी लिया गया है। चलिए इसका मतलब बताइए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, इसका मतलब क्या है? सभी लोग सुखी रहें, इसका ये मतलब हुआ। चलते हैं हमारे वर्ड की ओर। जो फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा स्पर, पार्ट्स स्पीच में वर्ब के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है प्रेरणा, प्रोत्साहन, यानी कि किसी को मोटिवेट करना, प्रेरणा देना, प्रोत्साहित करना, इंसाइट करना, अर्ज ऑन। अ फ्यू इंकरेजिंग वर्ड्स माइट प्रोवाइड जस्ट द स्पर्स सी नीड, कुछ एक इनकरेजिंग वर्ड उसको वो प्रोत्साहन प्रोवाइड कर सकता है जिसकी उसे जरूरत है। लोअर टैक्सेस वुड स्पर द इन्वेस्टमेंट एंड हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी लोअर टैक्सेस, टैक्स कम करने से प्रोत्साहन मिलेगा इन्वेस्टमेंट में, जो कि हेल्प करेगा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ में, आर्थिक वृद्धि में। सिनोनिम्स देखते हैं प्रॉम्प्ट, एक्साइटेंट, इंसाइटेशन, एंटोनिम्स देखते हैं ब्लॉक, डिटेरेंट, हिंड्रेंस, मतलब रोकना, रुकावट जिसको बोल सकते हैं। जिसके लाइफ के सारे रास्ते बंद हो जाए, सब कुछ ब्लर हो जाए, उन्हें स्पर करने की जरूरत होती है, यानी जो लाइफ में अंधेरे में कहीं खो गए हो, जिसका पूरा लाइफ ब्लर हो गया, उन्हें थोड़े से प्रोत्साहन की जरूरत होती है, स्पर की जरूरत होती है। सेकंड वर्ड देखते हैं, जो कि है हमारा प्लंज, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है अ लीव और डाइव फॉल फास्ट, यानी नीचे तेजी की ओर गिरना, जिसको बोलते हैं डुबकी लगाना, गोता लगाना। ये पिक्चर देख सकते हैं, ये बंदा ऊपर से गोता लगा रहा है, डुबकी लगा रहा है समुद्र में। वी आर एक्सपेक्टिंग अ प्लंज इन प्रॉफिट दिस ईयर, आपको पता है कोविड काल चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, सो हम सभी लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है फॉल फास्ट होगा, यानी कि गिरेगा, डुबकी लगाएगा, उठेगा नहीं इस बार हमारा प्रॉफिट। द प्लेन बिगन ए हेडलॉन्ग प्लंग टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि प्लेन जो है, फ्लाइट जो है, गोता लगाना स्टार्ट किया धरती की ओर। सिनोनिम्स देखते हैं डिसेंट मतलब कि गिरावट, डिप मतलब ही गिरावट, टंबल मतलब ही लड़खड़ाना, गिरना। एंटोनिम्स देखते हैं असेंड, राइज, इंक्रीज, यानी बढ़ना। अपने यंग एज में लोग काफी एनर्जेटिक रहते हैं, बट एज के साथ साथ उनका परफॉर्मेंस प्लंज होते जाता है, यानी कि गिरते जाता है, उनका परफॉर्मेंस गोटा लगाता है, डुबकी लगाते जाता है। चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की ओर, जो कि है हमारा टॉरेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है अ वायलेंट और ओवरवेलमिंग फ्लो, यानी कि काफी ज्यादा तेज फ्लो, प्रचंड धारा जिसको बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं, यानी कि ये वाटर का प्रवाह देख रहे हैं, प्रचंड है, वायलेंट है, यानी इसके बीच में अगर कोई लोग आ जाए वो अपने जान से हाथ धो बैठेगा। ही लेट आउट अ टोरेंट ऑफ अब्यूज और एंग्री वर्ड्स, उसने अपने मुंह से प्रचंड धारा किसका, गलत बातों का, गुस्से वाले बातों का, गालियों का प्रवाह, प्रचंड धारा अपने मुंह से बाहर निकाला। कोई आपके ऊपर गुस्सा होता है, आपको गाली देना स्टार्ट करता है ना, तो उसके मुंह से वो प्रचंड धारा निकलता है गालियों का, वही हमारा सेंटेंस। हैवी रेनफॉल टर्न द रिवर इनटू अ रशिंग रेजिंग टॉरेंट, यानी काफी ज्यादा वर्षा के कारण नदी में प्रचंड धारा आ गया, प्रवाह आ गया पानी का। सिनोनिम्स देखते हैं कैस्केड, जॉन फोर, फ्लड। एंटोनिम्स देखेंगे ड्रिप, ट्रिबल, ट्रिकल। विकास दुबे के पाप का घड़ा भरा, उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ और पुलिस उसके तरफ टॉरेंट की तरह बढ़ी, यानी कि प्रचंड धारा की तरह उसके तरफ पुलिस बढ़ी। चलते हैं फोर्थ वर्ड की ओर, जो कि है हमारा रैंकर, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है बीटर, हैट्रेड, यानी द्वेष, विद्वेष की भावना। ये देख सकते हैं गुस्से में कितना इंसान है, कितना द्वेष में ये इंसान लग रहा है। I have no rancor against any political parties. मुझे किसी भी political party से कोई भी द्वेष नहीं है। Synonyms देखते हैं bitterness, antagonism, enmity, यानी दुश्मन वाली नियत रखना, खटास रखना। Antonyms देखते हैं friendship,
काइंडनेस हैप्पीनेस, यानी दोस्ती वाली नियत रखना, हैप्पीनेस रखना, खुश रहना हमेशा, विद्वेष की भावना ना रखना, इसका एंटोनियम्स हुआ। टॉप रैंकर से एंकर करने से अच्छा है उसके जैसा मेहनत करना और अपना मुकाम हासिल करना। जो टॉप रैंकर रहता है उससे क्लास में सब लोग विद्वेष द्वेष की भावना भी रखते हैं काफी सारे लोग, कि वो टॉप कर गया और मैं फेल कर गया, बट ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा टेनेट। पार्ट से स्पीच में नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है बिलीफ, प्रिंसिपल, सिद्धांत। ये है हमारे महात्मा गांधी, जो कि नॉन वायलेंस के सिद्धांत पे चलते थे। अहिंसा इनका मेन सिद्धांत था, परम धर्म था। दिस वॉज अ सेंट्रल टेनेट ऑफ द प्योरिटिकल मॉडल। ये भी किसी भी प्योरिटिकल मॉडल का ये केंद्रीय सिद्धांत है। सिनोनिम्स देखते हैं, अजम्पशन, डॉग्मा, प्रिजम्पशन यानी कि सिद्धांत। एंटोनिम्स देखते हैं, डिसबिलीफ, डाउट, रियलिटी। केमिस्ट लोग अपने बेसिक टेनेट को फॉलो करते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट से पहले, यानी केमिस्ट लोग अपने बेसिक सिद्धांत को फॉलो करते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट से पहले। तो आई होप कि आज का वर्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारे वर्ड का मीनिंग एंटोसैनो के साथ समझ में आ गया होगा। चलते हैं थोड़े से मैच द फॉलोइंग के साथ, यानी कि परसों जो हम लोगों ने वर्ड डिस्कस किया था, क्योंकि वीकेंड में कोई लेक्चर नहीं लाता हूं कि आप लोगों को रिविजन का थोड़ा टाइम मिल सके। चलिए देखते हैं, ये हो गया मेरा वर्ड, इधर हो गया आपका साइनो। अब आपको इसमें से पहचानना है कि कौन किसका साइनो है। रिस्पाइट इसका क्या होता है, इसका होता है विराम, यानी कि थोड़ा सा रेस्ट देना। इसको क्या बोलेंगे इसका साइनो, रिलैक्सेशन। सीजेशन क्या होता है, समाप्ति इसको बोल सकते हैं, या इसका भी आप विराम बोल सकते हैं। इसका हो जाएगा हॉल्ट। इस दोनों का थोड़ा सा इंटरचेंजेबली मीनिंग होता है, क्योंकि रिस्पाइट का मतलब सीजेशन होता है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी मारो दोनों सही है। ओनस मतलब होता है ऑब्लिगेशन, यानी कि आपकी जिम्मेदारी, जिसको आप बोल सकते हो ऑब्लिगेशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, दायित्व इसको आप बोल दो। अनरिलेंटिंग यानी कि निरंतरता, कुछ भी हो जाए आप अपने काम को ना छोड़ो, इसको बोलते हैं निरंतरता, कंटिन्यूअल। फैटिक, वीकनेस, कमजोरी, जिसको आप कमजोरी बोल सकते हो या फिर थकान बोल सकते हो, और इसका सिनोनिम्स होगा मेरा वीकनेस। तो आपका रिवीजन भी हो गया प्रीवियस लेक्चर के वर्ड का, और आज का भी लेक्चर कवर हो गया। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा, और हाँ, मैंने करंट अफेयर भी स्टार्ट किया, कुछ एक सजेशन मांगा आपसे, करंट अफेयर्स को जाके देखें। अब जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी फिलहाल केवीएस आने वाला है, सो केवीएस वाले लोग खासकर ज्यादा जागरूक हो जाएं और जाके करंट अफेयर्स के लेक्चर को जरूर देखें। मैं जल्दी क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करूंगा, प्रीवियस ईयर लास्ट क्वेश्चन केवीएस के लिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन, मिलते हैं कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद।